आगे ये हो गया। अगला क्वेश्चन करते हैं, एक और देखो क्वेश्चन है। Who passes the platform in 36 seconds? Passes the platform in 36 seconds. And a man standing on the platform. The speed of the train is 54 kilometers per hour. Find the length. तो है स्टैंडिंग ऑफ द प्लेटफॉर्म। क्या 20? देखो प्लेटफॉर्म को पार करने में 36 सेकंड लगे ऐसा बोला गया है, और मैन को पार करने में 20 सेकंड लगे। मैन को भी तो पार करने में कुछ टाइम लगा होगा, ठीक है? तो आपको बताना। सर हाँ जी बताइए। सर ट्रेन की लेंथ नहीं सर सॉरी प्लेटफॉर्म की निकालनी है लेंथ 240 मीटर्स। हाँ बहुत बढ़िया, एकदम सही है। सर बताऊं कैसे निकाला? हाँ सर पहले तो उसकी स्पीड निकाली थी ट्रेन की हाँ सर, फिफ्टी ट्रेन की स्पीड तो है ही ना अपने पास। सर ट्रेन की स्पीड, अच्छा नहीं सर इसकी स्पीड निकाली थी, टोटल जो रहती है ना हाँ सर, 15 मीटर पर सेकेंड आई थी। 54 दिया तो था, ट्रेन का ट्रेन की स्पीड नहीं दे रखी। अच्छा चलो देखो देखो, समझो 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 समझो। अरे मेरे भाई समझो, ये मान लो एक ट्रेन है, ठीक है? ये एक प्लेटफॉर्म को पार करना है और इस पे एक आदमी है, इसको भी पार करना है। ट्रेन की कुछ स्पीड है, ठीक है? जब ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार कर रही होगी तो क्या करना होगा? ट्रेन को प्लेटफॉर्म की लेंथ को पार करना पड़ेगा, ठीक है? और ट्रेन की खुद की लेंथ को भी पार करना पड़ेगा। तो मान लेते हैं इसकी लेंथ L1, इसकी लेंथ L2, ठीक है? आया ना? तो भाई क्या होगा? आपको पता है टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब यहाँ पर ये किलोमीटर पर आवर में है और टाइम सेकंड में दिया हुआ है, तो या तो इसको भी मीटर पर आवर में बदल लो स्पीड को, है ना? 54 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर दें तो 15 मीटर पर सेकंड आ गया। अब यहां रखो,
पहले केस में ट्रेन ने जब प्लेटफॉर्म को पार किया तो टाइम लगा 36 सेकेंड। ट्रेन ने डिस्टेंस कितना कवर किया? अपनी लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ, यही तो पार करना पड़ेगा। लेकिन ये तो स्टिल है ना, स्पीड तो खुद की इसी की थी ना बस, और वो कितनी है? 15। हाँ या ना, बताओ। तो 15 × 36 कितना हो गया? 90। 15 × 3 = 45 और 9, 540 है ना। 540 तो आ गया L1 + L2। अब अगर इस ट्रेन ने इस मैन को पार किया है तो मैन को पार करते टाइम भी टाइम कुछ लगा होगा, कुछ डिस्टेंस रही होगी, जो स्पीड रही होगी डिस्टेंस। अब मैन को पार करना है तो मैन की खुद की लेंथ होती है क्या? नहीं। तो यानी ट्रेन ने अपनी खुद की ही लेंथ को पार किया होगा इस केस में, और स्पीड तो ट्रेन की जो है वही रहेगी, और टाइम कितना लगा इस बार? 20। कोई दिक्कत है क्या? बता दो। नहीं ना। तो 15 × 20 कितना हो गया? 300। हाँ L1 क्या था? ट्रेन की लेंथ 300 मीटर आ गई। L1 अगर 300 है तो L2 कितना? 240। बताओ ये प्लेटफॉर्म की लेंथ है, मुश्किल था क्या? आपको बस वही चीज तो इस्तेमाल करनी है कि भाई ट्रेन पार किसको कर रही है? ट्रेन किसको पार कर रही है? प्लेटफॉर्म को। तो प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो जिसको पार कर रही है उसकी लेंथ देखो और ट्रेन की लेंथ देखो, और कहीं वो मूव तो नहीं कर रही जिसको पार करना है, तो ये चीजें देखनी होती हैं बस। ठीक है, ये हो गया, लिख लो। मैं अब इसी को समझ लेते हैं कि अगर हम जब यही चीज सर्कुलर पाथ में करें तो क्या होगा, है ना? ट्रेन को नहीं, कोई दो लोग भाग रहे हो मान लो सर्कल पे, सर्कुलर पाथ में। ठीक है, समझना। देखो क्या है, जब पाथ जो है वो सर्कुलर होगा तो मान लेते हैं ये एक सर्कल है और यहां से ए और बी दो लोग दौड़ेंगे, ठीक है, और दोनों के बारे में हमें दिया जा रहा है कि इस पूरे ट्रैक को एक राउंड कंप्लीट करने में ए को कुछ टाइम लगता होगा, तो ए को लगता है मान लो 20 सेकेंड, है ना, और बी को लगता है 15 सेकेंड, है ना, सही है भाई? तो अब आपको बताना है कि अगर देखो इसमें दो तीन केस बना सकते हैं, आफ्टर, है ना, आफ्टर व्हाट टाइम, या नहीं कोई दिक्कत नहीं, दे विल मीट एट स्टार्टिंग पॉइंट, है ना,
दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मिलेंगे? अगर अगर दोनों सेम ही डायरेक्शन में भाग रहे हो ना। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, रनिंग इन सेम डायरेक्शन, सही है? ठीक है, कौन सी क्लास में अटेंड करता हूँ? कि स्टार्टिंग पॉइंट पे ये दोनों कब मिलेंगे अगर सेम डायरेक्शन में भागें, है ना? तो वो देखो सिंपल है कि भाई स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलाना है, तो यानी कि ए जो है ना वो हर 20 सेकंड के गैप पे स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंचेगा, है ना? यानी ए को पहला राउंड 20 सेकंड, दूसरा 40, तीसरा 60, ऐसे चलता जाएगा क्या ए का, सही है? और बी का 15, 30, 45, 60, 75, इस तरीके से चलता जाएगा, है ना? तो मतलब मैं ऐसा नंबर ढूंढना चाह रहा हूं जो आफ्टर 1 मिनट, हाँ, जो दोनों ए और बी दोनों ही डिवाइड कर सके जिसको, क्यों? सही बात है ना, ए और बी दोनों को दोनों ही डिवाइड कर सके, मतलब ए और बी का मैं कॉमन मल्टीपल ढूंढना चाह रहा हूँ, सही बात है ना? क्यों? क्योंकि ए 20-20 के गैप पे पहुंचेगा, ये 15-15 के, तो मुझे ऐसा टाइम चाहिए ना जब दोनों यहीं आके खड़े हों एक ही टाइम पे, समझ गए? सुने, हाँ, 15 into 3 60, है ना? तो देखो कॉमन मल्टीपल का मतलब तो 20 के कॉमन मल्टीपल और 15 के कॉमन मल्टीपल बहुत सारे हैं, है ना? तो जब सबसे पहली बार मिल जाएंगे हमें तो वहीं से मतलब है ना, बाद में भागते रहे तो हर बहुत बार मिलते जाएंगे स्टार्टिंग पॉइंट पे, तो यही फर्क पड़ता है। पर हमें हाँ 120 पे भी मिलेंगे, 180 पे भी मिलेंगे, मिलते ही जाएंगे, पर हमें सबसे पहले वाला देखना है, तो वो होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो 15 और 20 का लीस्ट कॉमन मल्टीपल आप देखो, देखो अभी आगे बढ़ेंगे ना, ठीक है, 60, तो 60 सेकंड्स बाद वो दोनों मिल जाएंगे अगर स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलाना है तो, ठीक है? आप देखो सेम ही क्वेश्चन देख रहे हैं ना, आफ्टर व्हाट टाइम दे विल मीट, At any point, है ना? When running in same direction, समझ गए क्या? Sir, when they are crossing each other. भाई अब तुम्हें ये बताना है, अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में भाग रहे हो और बस मिल जाए, कहीं भी मिल जाए, 5 सेकंड बाद मिल जाए, 5 सेकंड बाद मिल जाएंगे ना पक्का? अबे दिमाग लगा है तू यार, एक बात देख मेरी बात सुन, ए यहाँ से चल पड़ा है, बी यहाँ से चल पड़ा है ना, और ए की स्पीड पता नहीं है वैसे तो, पर 20 सेकंड में पूरा राउंड कर देगा, और बी जो है वो 15 सेकंड में। देखो जिसको कम टाइम लगता है वो ज्यादा तेज भागता होगा, है ना? यानी जब भी शुरू होंगे बी फट से आगे निकल गया होगा, है ना? तो वो नहीं है ना, उस पॉइंट के अलावा, मतलब भागने के बाद की बात, नहीं तो हर क्वेश्चन का आंसर वही हो जाए। हाँ बोलो, जब वहां से निकल गए हैं, है ना, अब मिलने की बात करें तो भाई जब ये बंदा इससे आगे है तो 5 सेकंड बाद कैसे मिलेंगे? ये तो आगे रहेगा ना, आगे ही रहेगा ना ये, तो फिर कैसे मिलेंगे? कभी तो मिलेंगे ना भाई, मान लो ये आगे, तो ये आगे ही रहेगा, है ना? ये आगे है, अब तुमने खुद ही कहा कि 60 सेकंड बाद तो मिल ही जाएंगे,
तो आप ऐसा कैसे कह सकते हो कि कभी नहीं मिलेंगे हैं? सेम डायरेक्शन में ही तो भाग रहे थे ना, और वो भी इसी पॉइंट की बात हुई थी। अब तो मैं कह रहा हूँ कहीं भी मिले, बीच में भी मिलना हो तो मिल जाए, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, तो अब आप ऐसा तो नहीं कह सकते ना, क्यों? नहीं, मैं तो सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ, मान ली ऐसे चल रहा है, ये इससे आगे आगे है ना वो, तो ये बढ़ता रहेगा, ये भी बढ़ता रहेगा, ये थोड़ा सा आगे जाएगा, ये ज्यादा आगे जाएगा, क्योंकि वो तेज भाग रहा है, ये थोड़ा और आगे जाएगा, ये और आगे आएगा, कहीं ना कहीं तो पकड़ लेगा ना इसको। जो तेज भाग रहा है वो कहीं ना कहीं आके उसको पकड़ लेगा ना, क्योंकि एक ही सर्कुलर पाथ पे भाग रहे हो ना तुम। अगर सीधा भाग रहे होते तो आगे निकल जाता है, कभी पकड़ ही नहीं पाते ना ये, क्योंकि वो तो तेज भाग रहे हो तो निकलता ही चला जाएगा, और सर्कुलर पाथ पे भाग रहे हैं तो पीछे से आके उसको पकड़ लेगा वो, है ना। हाँ, तो अब अगर ऐसा होगा तो कहीं भी मिल सकते हैं ना, जरूरी थोड़ी है कि स्टार्टिंग पॉइंट पे ही मिले, समझ रहे हो क्या? तो अब इसको समझना है कि ये कैसे पता चलेगा। अब आप देखो, अब जब दोनों सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड देखनी पड़ेगी ना, आए ना। क्यों रिलेटिव स्पीड भाई? इसलिए देखनी पड़ेगी मुझे, क्योंकि होता क्या है कि अगर ए थोड़ा सा आगे जा रहा है तो बी भी तो आगे जा रहा है ना, ये रुका हुआ थोड़ी है, मतलब अगर ये थोड़ा आगे गया तो ये भी थोड़ा आगे गया, तो हमें ये देखना है रिलेटिव में कितना गैप क्रिएट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, सही बात है ना, वो जितना भी है ना कितना गैप क्रिएट कर रहे हैं। अब ये गैप अगर जीरो हो जाए तो मिल जाएंगे, और जीरो कब होगा? ये बंदा आगे निकल चुका है, पीछे तो आएगा नहीं। जीरो कब होगा? जब ये बंदा ये पूरी बाउंड्री नाप दे ऐसे और इसको आके पकड़ ले, तो यानी पूरी सर्कमफेरेंस को ही तो उसको उसको एक्स्ट्रा कितना भागना पड़ेगा, पूरा सर्कमफेरेंस, क्योंकि देखो किसी भी पॉइंट पर अगर यूं है कि वो उससे थोड़ा सा आगे है तो भी वो मिलेंगे नहीं, तो इसको आके मतलब भागते भागते एक्स्ट्रा गैप क्रिएट होता जाएगा, जैसे जैसे भागेंगे वैसे वैसे तेज है तो और आगे निकलता जाएगा, है ना। अगर ये तेज है तो इससे और आगे निकलेगा, देखो ये यहाँ आया होगा तो ये यहाँ पहुंच गया होगा क्योंकि बहुत तेज भाग रहा है उससे, ठीक है, ये यहाँ आया होगा तो ये ऐसे आते आते यहाँ पहुंच गया होगा, इनके बीच का गैप कम होता जा रहा होगा, समझ रहे हो। और अब आप देखो ये किसी पॉइंट पर आकर मिल गए, तो हुआ क्या, उस जो तेज भाग रहा है उसने एक चक्कर एक्स्ट्रा मारा है ना, तभी तो पकड़ा। आप इस क्वेश्चन में भी देखो, इसने तीन चक्कर मारे और इसने चार, क्योंकि ये तेज भाग रहा हो, ठीक है, ये वाला, क्योंकि चार चक्कर मारने का मतलब एक्स्ट्रा चक्कर मारना, यानी कि तेज भाग रहा है, ये तेज भाग रहा है तो पकड़ तो इसको तभी पाएगा जब एक चक्कर एक्स्ट्रा मारे, तभी तो पकड़ पाएगा, समझ गए, पीछे तो आ नहीं सकता ना वो, आगे ही जाएगा। तो एक चक्कर एक्स्ट्रा मारना मतलब ये बाउंड्री को कवर करना, और ये बाउंड्री क्या है, सर्कल का सर्कमफेरेंस, वो क्या होता है 2πr, जो भी रेडियस होगी, तो यानी 2πr एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर करना है, समझ गए, 2πr का डिस्टेंस एक्स्ट्रा कवर करना है। अब देखो दोनों की स्पीड का कुछ अता पता नहीं है ना, तो मान लो कि ए की स्पीड ए ही है और बी की स्पीड बी ही है, ठीक है, और जो तेज है, तेज कौन भाग रहा है, बी, बी को एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर करना है, वो भी कितना 2πr, ये डिस्टेंस कवर करना है वो भी रिलेटिव स्पीड के साथ, क्योंकि वो बंदा रुका नहीं, वो भी भाग रहा है, रिलेटिव स्पीड। अब रिलेटिव स्पीड क्या रहेगी, ए की स्पीड कम है तो बी की स्पीड माइनस ए की स्पीड, ये रिलेटिव स्पीड होगी क्योंकि सेम डायरेक्शन में भाग रहा है, और यही अपने को बताएगा कि कितना टाइम लगेगा, समझ गए, टाइम ही तो निकालना है ना हमें। तो अब देखो ये 2πr है, बी की स्पीड क्या होगी, बी को ये पूरा चक्कर लगाने में कितना टाइम लगा, 15 सेकंड है ना, तो स्पीड हो जाएगी डिस्टेंस अपॉन, क्या होता है स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम ही होता है ना, देखो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम कितना लग रहा था,
और इसको कितना लग रहा था? कोई दिक्कत है क्या? नीचे तो डूबा यार, कॉमन है ही। तो 1/15 माइनस 1/20 है ना, ये तो कट गया। तो ये हो गया 1/15 और 20 का एलसीएम 60। तो ये 3 माइनस 4 माइनस 3 सही है 1। तो ये 1/1/60 दैट इज 60। यानी तब भी 60 सेकंड बाद ही मिलेंगे, यानी वो बीच में कभी मिल ही नहीं पाएंगे जिस हिसाब से यहाँ टाइम दिया गया था। हर क्वेश्चन में ऐसा नहीं होता, समझा? ये इस क्वेश्चन में बाय चांस ऐसा, अगर ये डेटा चेंज कर दूं, 20 और 15 की जगह कुछ और लिखूं, तो गारंटी नहीं ले सकते कि वही मिले, तो यार भी मिल सकते थे, ये तो डिपेंड करता है ना। इस क्वेश्चन में ऐसा हुआ कि एक चक्कर पूरा ही इनके गैप पे ही हुआ। एनी पॉइंट, ठीक है। तो सीधा सीधा आप कैसे फॉर्मूला बना सकते हो, मैं लिख दूं क्या यहाँ पर? ये टाइम ही तो था जो जो भी दिया हुआ था। अगर अपने को फॉर्मूला चाहिए है, तो क्या कर सकते हैं? देखो 2πr तो फिक्स था, मेरे को रेडियस दी थी क्या? नहीं ना, मार्कर दे दो कलर। तो 2πr ये तो फिक्स ही था। मेन तो 15 और 20 थे ना जो यहाँ पर दिए थे, इसके अलावा कुछ दिया था क्या? उसी से तो सब कुछ हुआ है, तो उसी को पुट करके देख लेते हैं, सीधा फॉर्मूला बन जाएगा एक बढ़िया सा। देखो जरा, अगर इस क्वेश्चन में ये टाइम T1 है, ये T2 होता है ना, तो मैं क्या करता? आप देखना, यहाँ T1 आया होता, यहाँ T2 आया होता, यहाँ T1 आया होता, यहाँ T2 आया होता, ठीक है? फिर क्या होता वो समझो। अब इस क्वेश्चन के हिसाब से ऐसा होता, 1/1, मैं ऊपर लिख दूंगा, कहीं जगह है अपने पास, है ना? हाँ, ये देखो यहाँ पर लिखता हूँ 1/1, ऊपर तो 1 है ही, फिर ये कट जाता तो 1/T1 माइनस 1/T2 ही तो है, आया ना? बताओ कोई दिक्कत है क्या? अगर ऐसा है तो अब एलसीएम लेते हैं, 1/T1 T2, और यहाँ T2 माइनस T1 दैट विल गिव यू, ये सबसे ऊपर T1 T2 upon T2 माइनस T1, मतलब अगर इस क्वेश्चन में अगर 12/18 दिया होता तो सीधा पुट करके आंसर निकाल, समझ गए क्या? और नीचे T2 माइनस T1, मतलब जो भी बड़ा है, बड़ा माइनस छोटा, ठीक है ना, समझ गए क्या? मतलब बड़ा माइनस छोटा, बड़ा तो 18 ही है ना, ठीक है? तो इस तरीके से डायरेक्ट भी निकाल सकता था उस क्वेश्चन, है ना? और 12 और 18 का एलसीएम भी देख, 36 है, यानी स्टार्टिंग पॉइंट पे भी 36 है, यानी फिर वही बैठ गया। तो ये हम डेटा ऐसे रेंडम उठा रहे हैं और वो सेट बैठ जा रहा है, ठीक है? 35-40 पे देख ले, 35 और 40 का एलसीएम देख, ठीक है? और इसी में एक पार्ट और बन सकता था, ये लिख लिया है क्या आपने? बहुत बढ़िया, इसी में एक पार्ट और बन सकता था जब ये, हाँ हाँ, जब ये दोनों कहाँ भाग रहे होते? ऑपोजिट डायरेक्शन, है ना? जब ये दोनों थर्ड पार्ट में ऐसा कह देते कि भाई कब मिलेंगे, अगर ये हाँ, दे विल सेम आ रहा है, बड़े
तो बाई चांस बैठ रहा है ऐसा एनी पॉइंट। After what time they will meet at any point running in opposite direction? ऐसा ले लेना 15 और 17 उठा के देख लेना यार। 15 और 17 का एलसीएम तो 15 × 17 होगा है ना, तो एलसीएम पता चल गया। अब यहाँ पुट कर, 15 × 17/2 आएगा ना, अलग आ गया ना, खत्म। मैं क्या सोच रहा, कुछ भी ले लिया भाई। अगर ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में भाग रहे होते तो क्या होता, कितनी देर बाद मिलते? हाँ, क्योंकि देखो ना सिंपल है ना, अगर इस ए को अब इस तरफ भगाएं 20 सेकंड अगर टाइम लेता है, तो अब देखना ये इधर से निकल गया है, ये इधर से निकल गया है, ये आता जाएगा, ये आता जाएगा, और ये आके इसको यहाँ कहीं मिल जाएगा। सही बात है ना, तो जल्दी मिल गया कि नहीं? फिर भी आप अगर देखोगे तो कुल मिला के इन दोनों ने डिस्टेंस कितना कवर किया, पूरा सर्कल का सर्कमफेरेंस ही तो किया, आया ना दोनों ने मिलके। कुछ हिस्सा इसने किया, कुछ हिस्सा इसने किया, तो डिस्टेंस तो अभी भी वही है, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में भागने की वजह से स्पीड बढ़ गई है, तभी तो इतनी जल्दी मिल रहे हैं। तो उस केस में क्या होगा, ऐड हो जाएगी, ठीक है ना? तो ये 60/7 आ गया। यहाँ पर भी अगर आपको फॉर्मूला एडजस्ट करना है इसके लिए, तो आप क्या कर सकते थे, बीच में बस प्लस आ जाता, T1 T2/T2+T1। समझ गए? ये किसके लिए है, ऑपोजिट डायरेक्शन के लिए, और ये वाला फॉर्मूला था सेम डायरेक्शन के लिए। समझ गए? सर्कुलर के लिए लिख लो, लिख लो। ओके हाँ, अभी देख लें आगे। चलो थोड़ा सा स्क्वायर निकालना फटाफट, बहुत आसान है वैसे तो। देखो ये हो गया ना, हटा दूँ ना, इधर वाला हो गया। देखो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट की बात करें अगर, तो स्क्वायर रूट निकालना भी सीख लेंगे फटाफट से, पहले स्क्वायर देख लेते हैं ना। तो स्क्वायर में क्या होता है कि अलग अलग टाइप के नंबर आते हैं अपने पास। जैसे मान लो मैंने ऐसा नंबर लिख दिया, 1 10 का स्क्वायर निकाल सकते हो ना, है ना, बढ़िया। और 40 का है ना, 90 का, 130 का, है ना, इस तरीके से, ठीक है। तो इसका क्या है अपना, कि जब भी भाई यूनिट डिजिट जो है वो जीरो होगा, तो हम क्या करेंगे भाई, जितने जीरो लिखे होंगे ना लास्ट में उसके डबल कर दो,
ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एक और लिख देता हूँ, है ना, जैसे 100 ही लिख दिया, ठीक है। हाँ तो भाई 1-0 है तो 00 आ जाएगा, तो 1-0 है तो 00, ठीक है, और 2 है तो 4-0, और जो बच गया उसका स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना, 1, 2, 4 का स्क्वायर 16, 9 का स्क्वायर 81, 13 का स्क्वायर 169, 1 का स्क्वायर, ये तब का है जब यूनिट डिजिट 0 होगा। कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, अब देखो, अब अगर देखें जैसे ये नंबर है, मान लो मैंने लिख दिया 15, निकाल सकते हैं 25, है ना, 45, 95, 100, चलो 165 कर दूं क्या? ठीक है, ऐसा लिख देता हूँ, 125, कुछ भी ले लें, क्या ही फर्क पड़ता है, चलो ये लगा दो। तो अब इनके निकाल दो भाई, निकाल, सर 15 का 225 है, 25 का 625 है, 45 का 2025 है, और 95 का 9025 है, और इसका लास्ट सर लिखा है दो सर, लास्ट वाले का 21025 है। अरे चलो देखें जरा, अरे हो गया क्या, हो गया ना। यस हाँ तो सिंपल सा कंसेप्ट है कि देखो, अगर स्क्वायर है और 5 है, तो 5 का स्क्वायर जब भी आएगा उसमें हमेशा एंड 25 पे ही होगा, आया ना। देखो जरा हो रहा है क्या, बच्चे आगे की कहानी वो वही है काम। तो जो भी लिखा है ना यहाँ पर, उसको उसके नेक्स्ट से मल्टीप्लाई कर, ठीक है ना। फिफ्टीन इंटू फिफ्टीन कितना होता है, 225, तो 210, ठीक है, इस तरीके से आप स्क्वायर निकाल सकते। हाँ बिल्कुल, हाँ लिख लेते हैं ना यहाँ पर, फेज टू व्हेन यूनिट डिजिट इज 5, ठीक है, ऐसा। करना सोचना है ना, ठीक है। किसी भी नंबर की बात करते हैं, है ना, अभी तक तो ये थे स्पेशल नंबर थे। हाँ जैसे कि कोई भी नंबर हो गया, जैसे 43 का स्क्वायर चाहिए, 47 का स्क्वायर चाहिए, है ना,
और भी और किसको ले लें? 49 ले लें, और ले लें बता, 112 ले लेते हैं, डबल थोड़ी करना है ना, हो गया ना। अबे पहले इन चारों के निकालो, हाँ मैं तो सिखाऊंगा ना, तो मैं कितने एग्जांपल लूं? मैं तो उस चीज से कराऊंगा, मैं तो एकदम अलग कराऊंगा। अच्छा बताऊं तुझे, देखो जरा यहाँ समझो। अरे मेरे भाई, 43 का मतलब 40 + 3 होता है क्या? तो तू कह रहा है इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर सेम होगा, ऐसा तू कह रहा है, मैं थोड़ी कह रहा हूँ। पर ये तो यही लिखा है, आया ना? यानी तू कह रहा है कि ये चीज और ये तीनों सेम है, क्योंकि ये दोनों तो सेम है। अगर तू बता दे नहीं है तो इसमें a प्लस b का होल स्क्वायर लगेगा, ये दोनों सेम है या नहीं है? 43 को मैं 40 + 3 लिख सकता हूँ क्या? यस सर। और अगर दोनों का स्क्वायर कर दूं तो कोई दिक्कत है क्या? तो तू सेम क्यों नहीं कह रहा इसको? तो फिर तू ऐसे कैसे कह रहा है कि ये जो भी आएगा वो यही होगा, यही होगा, है ना? तो समझ, a प्लस बी के स्क्वायर को a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं लिखते, इसके अलावा भी कुछ आता है। तू यही कर रहा है, खाली यहीं तक लिखते रहा, समझे क्या? अब अगर तू ये जानता ही था तो दिक्कत ही कहाँ थी। बस तुझे यही करना है किसी भी नंबर के लिए, है ना? जैसे मान ले मैंने एक नंबर लिया 23 का स्क्वायर निकाल, तो मैं क्या करूंगा, किसी यूनिट डिजिट को बी और उससे पहले ए, सही है? तो 529 है ना, सही है। ये करने के बाद मैं ये फॉर्मूला लगाता हूँ, बस देखो यहाँ लिख दूंगा बी का स्क्वायर, यहाँ लिख दूंगा 2ab और यहाँ लिख दूंगा ए का स्क्वायर, शुरुआत इधर से, ठीक है? क्योंकि जब हम ऐसे लिखते हैं तो कैरी फॉरवर्ड कैरी करते हैं ना नंबर्स को, तो एक एक डिजिट को लिखते हैं बस। और बहुत आसान है ये, देखो 3 का स्क्वायर 9, 2ab, 3 × 2 6, 6 × 2 12, का 2 ही लिखूंगा ना, 1 तो कैरी होगी, 2 का स्क्वायर 4 और एक कैरी, 529 ab² वही भी मेथड, आसान नहीं है हमें क्या मतलब है, ठीक है? अब देख ले तू, अगर मैं इसका स्क्वायर निकालूं तो अगर मुश्किल है तो 7 का स्क्वायर 49, 4 कैरी कर लिया, फिर क्या लगाना है, 2ab, 2 × 4 = 8, 7 = 56 और 4 = 60, कितना कैरी हो गया, 6, 4 का स्क्वायर 16 और 6 22, क्या दिक्कत? कोई भी मेथड हो, कॉलम हो चाहे रो हो, हर जगह लगा देंगे, कहाँ दिक्कत आ रही है। 9 का स्क्वायर 81, 8 कैरी, 2 × 4 = 8, 9 = 72 और 8 = 80, फिर 8 कैरी, है ना? अब 4 का स्क्वायर 16 और 4, 16 और 8
क्या दिक्कत? अब देख यहाँ पर अगर यही लगाना है तो देखो इसको तो बी मान लिया मैंने, इस पूरे को ए मान लिया, तो 169 होगा क्यों? कैरी देख लो कितना है, मुझे नहीं पता फिर आंसर उस हिसाब से आ जाएगा। यही आया था बस, फिर क्या करूंगा था सर। 1544 है ना, 43 का आया होगा वो जो तू कह रहा है। 43 का मैंने निकाला ही नहीं था ना, 43 का बता दूं क्या आएगा, 3 का स्क्वायर 9, 2 4 जा 8, 3 जा 24, फिर 2 बचा, 4 का स्क्वायर 16 और 2। अब इसको देखो, 2 का स्क्वायर 4, 2 इंटू ए इंटू बी, 2 इंटू 11 20, 2 इंटू 2 24, 44, 44 का 4 लिख दिया, 4 कैरी, 11 का स्क्वायर 121, 121 प्लस 4, तो क्या दिक्कत है ना, उसी फॉर्मूले का इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं तो, सेम ही तरीका है, नहीं पता भाई। अब मेथड अगर इस्तेमाल करना है तो आपको ये चीजें भी तो पता होनी चाहिए ना, अगर यहाँ पे तू कहता मुझे 11 का स्क्वायर नहीं पता तो मैं क्या करूँ। मेरा टाइम बच जा रहा था तो मैंने ऐसे कर लिया, तो टाइम बचा नहीं सकता है ना, कोई भी नंबर इसमें तो कोई भी नंबर चले है ना। अब अगर मैं स्क्वायर रूट की बात करूं है ना, स्क्वायर रूट निकालना है, मान लो मैंने ऐसे नंबर लिख दिया कोई भी एक, क्या लिखूं, छोटा नंबर ले लेता हूं पहले है ना, फिर बाद में बढ़ेंगे इसको, जैसे मैंने 441 ले लिया है ना, हमें सीखना है, हमें पता है, हमें इसको आगे भी तो अप्लाई करना है ना भाई, क्यों हमें इसको आगे भी तो अप्लाई करना है। हाँ वही मैं अप्लाई करना सिखा रहा हूँ, बाकी तो हम देख ही लेंगे। देखो अब समझो करना क्या है, आपको पीछे से यानी कि राइट से पेयरिंग करनी है दो दो की, ठीक है, राइट से दो दो की पेयरिंग करनी है, कर लेंगे ठीक है, लेकिन आपके काम का सिर्फ यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट यही आपके काम का है हर बार, ठीक है। अब देखो ये काम का क्यों, ये वाला हो गया ना, क्योंकि यूनिट डिजिट ही आपको बताएगा कि उसका स्क्वायर रूट क्या रहेगा। देखो आप जानते हो 1 का स्क्वायर क्या आता है, 1, 2 का स्क्वायर 4 है ना, 3 का स्क्वायर 9, 16, हमें इससे मतलब है सर है ना, समझ रहे हो क्या बात, तू है ना, बस ये समझ गया क्या कि भाई यूनिट डिजिट ही तो डिसाइड करेगा कि अगर 4 के स्क्वायर का यूनिट डिजिट 6 है ना, तो 14 के स्क्वायर का यूनिट डिजिट भी 6 ही होगा, 34 का भी, 24 का भी, 100 या 0004 का भी, यूनिट डिजिट कुछ है ही है, ये बात तो तय होगी, क्योंकि यूनिट डिजिट का किसी के स्क्वायर का यूनिट डिजिट वो जिस जो यूनिट डिजिट होता है वही डिसाइड करता है, ठीक है ना। तो अगर ऐसा है तो 1 कब आया होगा, या तो यूनिट डिजिट 1 रहा होगा, यूनिट डिजिट या तो 1 रहा होगा या 9 रहा होगा। अब जो बच गया उसको देखो, 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का, ठीक है। अब यहां पर ये भी देखना है, 4 जो है 2 का स्क्वायर होता है और 3 के स्क्वायर से पहले ही आ रहा है, मतलब कुल मिला के यूं कह सकते, ठीक है,
तो टू का स्क्वायर होता है टू, तो ये किसके स्क्वायर के पास में है ये नंबर? हर बार ये परफेक्ट स्क्वायर बने ऐसा जरूरी नहीं, जैसे 12 कोई परफेक्ट स्क्वायर थोड़ी होता है, नहीं होता ना। तो ये 4 2 के स्क्वायर के पास में है या 3 के स्क्वायर के पास में है? 2 के स्क्वायर के पास में है ना, तो जिसके पास में उन दोनों से पता चलता है इनमें से कौन आए, समझ गए? हाँ नहीं नहीं अब इसमें जो छोटा है वो वाला लेना है। अगर ये 3 के पास में होता, 3 के स्क्वायर के पास में होता यानी 9 के आसपास लिखा होता, जैसे अगर किसी नंबर को 841 लिख दूं ना अभी तो सारी कहानी बदल जाएगी, समझ गए? क्योंकि अभी भी 1 और 9 से ही आएगा, पर ये 8 लिखा है और 8 2 के स्क्वायर और 3 के स्क्वायर को अगर देखे ना तो इनमें से किसके पास है? इसके पास है, इसके पास है ना ये, तो बड़े वाले के पास है, तो इन दोनों में से बड़ा वाला आएगा, है तो 3 से छोटा ही ना, तो 2 तो रहेगा ही लेकिन इन दोनों में से बड़ा वाला आएगा। अब इन दोनों में से इसके पास है इसलिए छोटा वाला आएगा। ये परफेक्ट, ये जो नंबर है किसके स्क्वायर से छोटा है? सिंपल, पहली दो डिजिट की पेयरिंग तो पीछे से दो दो की करो, पेयरिंग करो और यूनिट डिजिट ही सब कुछ है। एक दो और एग्जांपल लेते हैं फिर समझते हैं और चीजें समझेंगे। देखो यहाँ पर 5 है, 5 सिर्फ 5 से ही आ सकता है, तो यूनिट डिजिट तो 5 हो गया फिक्स है। और अब ये 12 है ना, 12 कहाँ आता है देखो समझना, 3 के स्क्वायर और 4 के स्क्वायर के बीच में, इसके बीच में आएगा ना, तो हमेशा दिखाना तो यही वाला है, इनमें से इधर से चूज करना पड़ता है, ठीक है? तो इसका कितना हो गया 30, 45 कोई कह रहा था, हो गया, समझ गए क्या? अभी इसमें फिर से देखना, क्लियर हो जाएगी चीज। 1 और 1 जो है वो 1 के स्क्वायर या 9 के स्क्वायर की वजह से आएगा ना यूनिट डिजिट। अब आखिर के दो है 24 जो होता है वो 4 के स्क्वायर और 5 के स्क्वायर के बीच में है, आया ना, पर किसके पास में है? बड़े वाले के पास में है ना, तो इन दोनों में से बड़ा वाला उठाना है आपको, समझ गए क्या? ये अरे भाई 5 से तो छोटा ही है ना, तो छोटा ही आया। अगर 5 ही लिखना होता तो ये 2500 पार नहीं करके होता, क्योंकि 50 का स्क्वायर तो खुद ही 2500 होता है ना, समझ गया? 5 से तो कम ही आएगा ना, अगर मैंने यहाँ 5 लिख दिया तो 50 का ही स्क्वायर 2500 होता है, यहाँ तो 2500 से कम लिखा है ना भाई, ठीक है? तो आपको 4 और 5 के बीच में है तो इनमें से तो छोटा वाला ही आएगा, इन दोनों में से वो आएगा जो जिसके पास है ये। इसके पास होता तो ऊपर वाला ले लेते यानी छोटा वाला, बड़े वाले के पास होता तो बड़ा वाला, समझे क्या? ऐसा क्लियर है, तो ऐसे निकालेंगे, ठीक है?